नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेवरेज के बारे में विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेवरेज एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंज्यूम्ड एल्कोहलिक बेवरेज। क्या आप गैस कर सकते हैं हम किस बेवरेज की बात कर रहे हैं? यस, यू गेस्ड इट राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बियर। बियर वाटर के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट कंज्यूम्ड एल्कोहलिक बेवरेज है। तो अगर हम बात करें बियर के इवोल्यूशन के बारे में या फिर हिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहला जिक्र आता है अबाउट द इजिप्शियन मॉडल्स विच आर देयर इन सैन होजे म्यूजियम ऑफ कैलिफोर्निया, विच सजेस्ट दैट द बियर बिलोंग्स टू इजिप्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। और अगर हम हिस्ट्री की और डीप में जाएं तो हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं के बियर 6th मिलेनियम सेंचुरी से बिलोंग करता है। एंड दे आर रिटन डॉक्यूमेंट ऑल्सो इन द इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियास हिस्ट्री। सो ओवरऑल वी कैन से दैट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेवरेज विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। अगर हम बात करें रिटन प्रूफ ऑफ केमिकल प्रपोजिशंस ऑफ केमिकल मेकिंग ऑफ बियर, तो ये डेट बैक करता है अराउंड 3500 to 3100 BC, जहाँ पे इन द माउंटेन्स ऑफ ईरान देयर आर प्रूफ्स फाउंड के वहाँ पे ये बेवरेज प्रोड्यूस हुआ करता था। तो हमें ओवरऑल इन सब बातों से ये आइडिया लगता है कि ये बेवरेज बड़ा ही ओल्ड है, और गोल्ड है क्योंकि ये मोस्ट कंज्यूम्ड है। तो दोनों चीज़ें हैं, ओल्ड एंड गोल्ड। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर बेवरेज इन टुडे सेशन। अगर हम बात करें बियर कैसे बनती है, तो एनी इंग्रेडिएंट जिसके अंदर स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, उससे आप बियर बना सकते हो। यू जस्ट नीड टू नो थ्रू अ लिटिल प्रोसेस कि आपने नेचुरली फर्मेंट भी हो जाता है आपका एक सीरियल। तो अगर आप कुछ देर के लिए उसको गर्म पानी में रख दो, एंड इट गोज फॉर फर्मेंटेशन, एंड दैट्स हाउ द बियर हैव इवॉल्व। सो बियर एंड ब्रेड, दीज बोथ द थिंग्स हैव इवॉल्व ऑन देयर ओन। And it is believed that these beer and bread have evolved the technologies and have created the civilizations of the world. So, आज हम इसी interesting beverage के बारे में बात करेंगे। हम पता करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बनाने के पीछे किन किन ingredients का role है, और यही सब। तो start करते हैं हम अपना session with the इंग्रीडियंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक बियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर के बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट ऑफ अ बियर इज वाटर। वो कैसे? क्योंकि अगर आप एल्कोहलिक कंटेंट देखेंगे बियर का, तो इट इज अराउंड 4 to 13%, एंड वॉट एवर इज लेफ्ट वो सारा का सारा पानी है। तो अगर आप राइट वाटर नहीं लेंगे अपने बियर बनाने के लिए, तो आपकी बियर अच्छी नहीं बनेगी। तो वॉट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट वाटर इज कि अगर आप हार्ड वाटर ले रहे हैं, देन इट इज़ गुड फॉर मेकिंग लैगर बियर्स, और अगर आप सॉफ्ट वाटर ले रहे हैं, देन इट इज़ गुड फॉर मेकिंग बिटर बियर्स। सो ये दोनों टाइप्स के वाटर में डिफरेंस है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट इन मेकिंग बियर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट इज द सीरियल विच यू आर टेकिंग। नाउ फॉर मेकिंग बियर यू कैन टेक एनी सीरियल, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो बार्ले। और बार्ले को क्यों उसके सबसे ऊपर रखा जाता है, इसकी एक दो वजहें हैं। जैसे कि बार्ले के अंदर जो स्टार्च कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और प्रोटीन कंटेंट काफ़ी कम होता है, जिस वजह से इससे जो रिजल्ट निकलते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें जापान, तो वहाँ पे राइस से भी बियर बनती है, एंड देयर आर बियर ऑल्सो विथ विच आर मेड विथ व्हीट। So we can take any grain, but most of preferred grain throughout the world is barley. Barley की हम कौन सी वेराइटी यूज करेंगे? So it's of course Hordeum sativum, which is mostly used throughout the world. और क्या बातें हमें ख्याल रखनी है? One, that the starch content should be high, and the second is protein content should be low. Protein content कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर protein content ज़्यादा होगा तो हमारी beer लाउडी हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें प्रोटीन कंटेंट कम रखना है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट फॉर मेकिंग बियर इज हॉप्स। हॉप्स आर बेसिकली फ्लावर्स विच बिलोंग्स टू मलबरी फैमिली,
और इनका बॉटनिकल नेम है ह्यूमुलस लुबुलस। हॉप्स क्या करते हैं, दे गिव डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू द बियर, और जो बियर का डिस्टिंक्ट टेस्ट है वो इन्हीं की वजह से आता है। इनसे हमें क्या क्या मिलता है बियर के अंदर, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग प्रिजर्वेटिवनेस टू द बियर, दे गिव फ्लेवर टू द बियर, दे गिव अरोमा टू द बियर एंड द काइंड ऑफ द डिफरेंट टेस्ट दैट यू फाइंड इट्स गिवन बाय हॉप्स। And what are the different examples of hops? So you can go for English hops, which are Goldings and Fuggle. Then you can go for Czechoslovakia hops, which is Saaz. And you can also go for Brewers hops, and there are so many hops available throughout the world. Third most important ingredient is yeast. Now, yeast ki jab hum baat karte hain, it is ingredient which is responsible for the process of fermentation. क्योंकि अगर fermentation नहीं होगा तो alcohol नहीं बनेगा। तो yeast का काम यहाँ पे क्या है, that yeast will eat the sugar and will produce C2H5OH that is ethanol and will produce carbon dioxide as well. So that is what the role of yeast is. And there are two more ingredients, one is sugar and one is finings. Now these two ingredients, why I am taking their names separately, क्योंकि ये कभी पार्ट होते हैं या कभी नहीं भी होते हैं। सो इट डिपेंड्स, अगर बियर के अंदर प्रॉपर शुगर डेवलप नहीं है एंड इट इज नॉट स्वीट तो हम शुगर ऐड करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। एंड फाइनिंग दे आर क्लैरिफाइंग एजेंट, एंड अगर तो बियर को क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है देन विल डू इट, अदरवाइज विल नॉट डू इट। सो वन ऑफ द क्लासिकल फाइनिंग एजेंट इज आइसिंग ग्लास विच इज फाउंड इन द ब्लैडर ऑफ स्टर्जन फिश। तो उसको यूज करते हैं टू क्लैरिफाई बियर एंड टू ब्राइटन द बियर। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मेक बियर। एंड लेट्स अंडरस्टैंड और लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन मेकिंग बियर। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स टू टेक गुड क्वालिटी बार्ले, एंड देन द बार्ले विल गो फॉर स्टीपिंग, एंड देन वी विल प्रोड्यूस ग्रीन मॉल्ट, एंड देन वी विल गो फॉर द प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग एंड किलिंग, एंड देन वी विल डू ग्रिस्ट, देन मैश, and then brewing. After brewing we will go for the process of hop back, and after hop back we will go for straining, then wet fermentation, and then filtration, and then creaming and fining, and then at last we'll do cooling and pasteurization, and then we'll pack the bottle. So these are the major steps which are required to make beer, and let's understand how this is made. So let's go for it. Kya aap jante hain, आज से 4000 साल पहले बेबीलोन में एक कस्टम था जिसमें के ब्राइड के फादर अपने सन इन लॉ को पूरे एक महीने के लिए मीड गिफ्ट किया करते थे। जो मीड है वो एक्चुअली में हनी बियर हुआ करता था, और क्योंकि उस वक्त ल्यूनर बेस्ड कैलेंडर थे इसीलिए शादी के बाद का वो मंथ हनीमून कहलाने लगा। सो व्हाट steps are there in making beer? The first step is कि हमने वो barley select करना है जो good quality का है। It is important that we screen the barley और fine particles ही select करें जिसके के अंदर कोई dust नहीं हो और कोई other foreign particles ना हो। और एक बार जब हमने barley को select कर लिया, then the next step start, that is steeping. The grains are soaked in huge tanks और इनको करीब 50 to 60 hours के लिए हम soak करते हैं। Temperature हमें रखना है around 10 degree Celsius. Steeping के अंदर क्या होगा, The grains will absorb water and their moisture content will increase. Next step is malting. Malting के अंदर क्या होगा कि grains जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा moisture content इंक्रीज कर लिया है इस वक्त, तो हमें वो मॉइस्चर कंटेंट को कम करना है। और ये मॉइस्चर कंटेंट को हम कम कर सकते हैं जिसमें, जैसे कि हम अपने बार्ले को फ्लोर्स के ऊपर स्प्रेड कर दें और उसको कंटिन्यूसली रोटेट करें। स्लोली द वाटर विल एवेपोरेट एंड देन द टेम्परेचर विल इंक्रीज इन द बार्ले एंड देन द वाटर विल गो आउट, और इस तरीके से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा।
ये प्रोसेस कुछ दिन तक चलता है और एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है इस प्रोसेस के अंदर, वो है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज अ की फॉर द प्रोसेस ऑफ बियर मेकिंग। इस दौरान क्या होगा कि जो एंजाइम्स हैं डायस्टेस एंड जाइमेज, ये एक्टिवेट होते हैं एंड दीज एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इंटू शुगर। सो मॉल्टिंग इज वन ऑफ दी क्रिटिकल स्टेप इन मेकिंग बियर और एनी अदर एल्कोहलिक बेवरेज। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन द मॉइस्चर कंटेंट इज अराउंड 40% एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 12-21 डिग्री सेल्सियस जो बार्ले है वो जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। एंड वेन द प्लिम्यूल्स आर देयर स्प्राउट्स आर विजिबल एट दैट टाइम द स्टार्च कन्वर्टिंग एंजाइम्स आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड एंड दिस प्रोसेस विल हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इंटू शुगर। द नेक्स्ट स्टेप इज किलनिंग। नाउ वी नीड टू स्टॉप द जर्मिनेशन एंड टू स्टॉप द जर्मिनेशन हमें बार्ले को ड्राई करना है और इसको ड्राई हम करते हैं मॉल्टिंग फ्लोर्स के ऊपर। देयर आर बिग फ्लोर्स मॉल्टिंग फ्लोर्स जहाँ पे नीचे से उनको हीट दी जाती है बार्ले को और फिर वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। इन द किलनिंग प्रोसेस द कलर ऑफ बार्ले विल चेंज एज वेल एज द मॉइस्चर कंटेंट विल ऑल्सो कम डाउन और जो बार्ले है वो ऑलमोस्ट रोस्ट हो जाएगा। द रोस्टिंग विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बियर दैट वी आर मेकिंग। फॉर माइल्ड एल्स रोस्टिंग इज डन एट अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस। फॉर पेल एल इट कैन बी डन एट 85 डिग्री सेल्सियस एंड डार्क बियर्स को हम 225 डिग्री सेल्सियस तक रोस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज सीविंग। सो द रोस्टेड बार्ले इज बेसिकली सीव्ड एंड स्क्रीन्ड कि उसके अंदर कोई बर्नड बार्ले तो नहीं है या फिर ब्रोकन बार्ले तो नहीं है। इफ इट एवरीथिंग इज ओके देन वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट इज मैशिंग। मैशिंग में क्या करना है, हमने बार्ले को बेसिकली हमने पहले ग्राइंड करना है और ग्राइंड करना है उसको कोर्स पार्टिकल के अंदर एंड दिस कोर्सली ग्राइंडेड बार्ले इज नोन एज ग्रिस्ट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड प्लीज एंड मेक श्योर दैट द ग्रेन्स आर नॉट कन्वर्टेड टू पाउडर। नेक्स्ट स्टेप इज लॉटरिंग। लॉटरिंग इज अ प्रोसेस where decoction happens. It involves the heating of grist with water at around 35 degrees Celsius in a lotter tun. The temperature of water is gradually increased to 70 degrees Celsius and the resultant liquid is known as wort. So, abhi hamare paas wort aa gaya hai. Wort is what? It's a sugary liquid jo hume mila hai from the starch that is converted to sugar and this sugary liquid will go further into the process of brewing. The wort is transferred to brewing vessel aur yahan pe hum add karte hain hops ko aur hops ko add karne ke sath hi hum wort ko boil karte hain for around 1 to 2 hours jisse ki hops ke jitne bhi flavors hain wo extract ho jate hain and then we go for hop back. तो जितने भी हॉप्स के फ्लेवर ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो गए ना हॉप्स जो रिमेनिंग हॉप्स हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है एंड देन वी नीड टू सेपरेट देम और सेपरेट करने के बाद हम उनको कैटल फीड के लिए छोड़ सकते हैं। देन स्टेप इज कूलिंग एंड पिचिंग। सो बेसिकली व्हाट व्हिच हैज कम अप फ्रॉम नाउ व्हिच हैज फ्लेवर ऑफ हॉप्स एंड हैज शुगर इसको हमने कूल करना है टू अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस और जब ये कूल हो गया है तो इट इज़ रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब जो प्रोसेस है वो है फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है और इसको बहुत केयरफुली करते हैं सारे ब्रूअर्स। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट फर्मेंटेशन फॉर एल बियर। तो एल के लिए जो ईस्ट यूज होता है इट इज़ सैकरोमाइसिस सेरेवेसी और ईस्ट बेसिकली क्या करेगा, इट विल ईट शुगर एंड विल प्रोड्यूस C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
द फर्मेंटेड लिक्विड जो होगा उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इट इज़ अराउंड 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि लैगर बियर में ये टेम्परेचर होता है अराउंड 5 टू 9 डिग्री सेल्सियस। और लैगर बियर में जो यूज होता है, ईस्ट यूज होता है, उसको बोलते हैं हम सैकरोमाइसिस कार्ल्सबर्गजेनेसिस। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि एल बियर में जो सैकरोमाइसिस सेरेवियासी है, इट कलेक्ट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, जिस वजह से इसको हम बोलते हैं टॉप फर्मेंटेशन। और जो लेगर बियर का ईस्ट है सैकरोमाइसिस कार्ल्सबर्गजेनेसिस, ये लिक्विड के बेस में सेटल हो जाता है, जिस वजह से हम इसको बोलते हैं बॉटम फर्मेंटेशन। सो द नेक्स्ट स्टेप इज मैचुरेशन एंड पास्चराइजेशन। मैचुरेशन फॉर एल बियर इज हैपन फॉर अराउंड 3 to 21 days, एंड फॉर लेगर बियर इट गोज फॉर अराउंड 10 to 24 weeks, और इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं हम अराउंड 1 to 3 degrees Celsius। इसके बाद हम करेंगे ब्राइटनिंग एंड क्लैरिफाइंग। तो बियर को बेसिकली फॉर क्लाउडीनेस एंड फॉर एनी फॉरेन पार्टिकल्स, अगर ऐसा कुछ है उसके अंदर, तो हमें उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है और ब्राइटन करना होता है। इसको हम कर सकते हैं आइसिंग ग्लास से, या फिर कार्बोनेटेड शीट होती हैं या फिल्ट्रेशन शीट्स होती हैं, उनके थ्रू हम अपनी बियर को क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बियर इज पैक्ड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर्स। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर पैकेजिंग बियर? फर्स्ट इज बॉटल, बॉटल एवरीबडी हैज सीन, कैन, कैक्स, कास्क एंड टैंक्स। दीज आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पैकेजिंग बियर। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बियर। So basically there are ale beers and lager beers. Ales, the yeast is used is Saccharomyces cerevisiae, and sometimes there is addition of sugar syrup is there for ale beers, and the service of ale beer is done at around 15 to 18 degrees Celsius. Lager beer are made by Saccharomyces carlsberggenesis, and the fermentation is at around 7 to 12 degrees Celsius. And their maturation is for around 1 month approximately. And the service of lager beer is done at 4 to 5 degrees Celsius. One very important beer is draught beer. Now it is not very different beer, but the style of service and is little different. So draught beer are also called as draught beer or tap beer. Draught beer are filter beer that has been served from pressurized container. इसको सर्व करने का तरीका क्या है? इसको हम बेसिकली डायरेक्ट टैप से सर्व करते हैं, और इसको सर्विस करने के लिए हमें रिक्वायर होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि गैस सिलेंडर, गैस प्लांट, कैग और कास्क, एक्सट्रैक्टर ऑफ कूपलर, बियर लाइन, कूलर एंड अ टैप। So from the diagram you can understand how this beer is served. आप देख रहे हैं कि एक bar level है, और bar level के नीचे एक keg या cask होगा, जिसको कि connect करेंगे pipe के through to the bar level, and then आपको दिखेगा एक carbon dioxide cylinder, और फिर इन दोनों को हम connect करते हैं, and जब हम tap open करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड द बियर बोथ विल गेट मिक्सड टूगेदर एंड इन द ग्लास इट कैन बी सर्व्ड। सो दिस इज हाउ ड्रॉट बियर्स आर सर्व्ड। लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट ब्रांड्स ऑफ बियर। पिल्सनर इट्स फ्रॉम चेक रिपब्लिक, बडवाइजर इज ऑल्सो फ्रॉम चेक रिपब्लिक, कोरोना फ्रॉम मैक्सिको, स्टेजल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हैनिकेन फ्रॉम नीदरलैंड, फॉस्टर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, टाइगर फ्रॉम सिंगापुर, ट्यूबर्ग फ्रॉम डेनमार्क, एंड माई फेवरेट होगार्डन फ्रॉम बेल्जियम। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट latest videos will reach to you. Thank you very much.